ऑल इंडिया एसटीएससी रेलवे के कर्मचारियों ने रेलवे के निगमीकरण एवं निजीकरण के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। दरअसल ऑल इंडिया एसटीएससी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के आह्वान पर रायपुर में भी निगमीकरण एवं निजीकरण के खिलाफ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के कर्मचारियों ने डीआरएम ऑफिस के सामने विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं एसटीएससी रेलवे कर्मचारी के अध्यक्ष जी शंकर राव ने बताया कि जो आरक्षण हमें मिलता आ रहा है वो निजीकरण होने के बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। इसलिए अपने संविधान की रक्षा के लिए हमने आज प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के नाम डीआरएम को ज्ञापन सौंपे हैं। ज्ञापन में निजीकरण और निगमीकरण को रोकने का मांग किया गया है, और हम एक जिम्मेदार कर्मचारी होने के नाते ये सब लंच ब्रेक के दौरान किया गया है। अब देखना होगा कि इस प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार के फैसलों में क्या कुछ परिवर्तन आता है कि नहीं। सत्य राजपूत एक्सप्रेस रिपोर्टर रायपुर।